दोस्त यार, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब कि आप Zomato कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो। अगर आप Zomato कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो दोस्त यार, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहूंगा। मतलब यार, हम लोग आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, मजबूर हैं। मजबूर, आप एक मजबूरी समझते हो ना, मजबूर है यार, कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कंपनी Zomato गिग्स बोल करके एक अपडेट लेकर के आई थी, आपको अच्छे तरीके से पता होगा Zomato गिग्स से कितना ज़्यादा Zomato डिलीवरी बॉयज को नुकसान है और अभी भी है भाई, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अगर नहीं पता है तो, अगर आपका Zomato गिग वाला जो है कि रेट कार्ड आपको नहीं मिला है, तो जब मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्त यार, वो समस्या पूरी तरीके से सुलझी नहीं थी, वो समस्या अच्छे से अभी कंपनी ने उसको सॉर्ट आउट भी नहीं किया था। राइडर अभी भी स्ट्राइक कर ही रहे थे कि कंपनी ने एक चीज़ और लेकर के आ गई, क्या कि अब भैया Zomato कंपनी 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी करवाएगी। मतलब कस्टमर को कंपनी 10 मिनट के अंदर ही खाना दे देगी। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा खासा अनुभव है, आप लोग समझदार हो, आपको अच्छे से पता है कि ये जो अपडेट है अभी, हालांकि ये अपडेट आया नहीं है, खाली कंपनी ने अनाउंस किया है। आपने अच्छे से सुना होगा इसके बारे में, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बन चुके, काफ़ी न्यूज चैनल्स ने भी इस चीज़ को कवर किया है। अब आपको अच्छे से पता है कि ये अपडेट जब आएगा तो इससे किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, इससे कस्टमर का फ़ायदा होगा, क्योंकि भैया उसको तो 10 मिनट के अंदर अंदर खाना मिल जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब तक Zomato कंपनी में कोई भी ऑर्डर डिलीवर करने में आधे घंटे का टाइम जाता है, कन्फर्म है ये। सबसे ज़्यादा राइडर का टाइम खर्च होता है रेस्टोरेंट पर, उसको इंतज़ार करना पड़ता है कि भैया कब फूड मिले तो कब वो लेकर के जाए। दूसरा उसका टाइम वेस्ट होता है ट्रैफिक में। तीसरा उसका टाइम वेस्ट हो जाता है भैया जब कस्टमर की लोकेशन नहीं मिलती, इधर उधर उसको घूमना पड़ता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो ऑर्डर डिलीवर करने में आधे घंटे का टाइम लगता है, अगर ऑर्डर 10 किलोमीटर के रेंज में हो और अगर साइकिल से 5 किलोमीटर के रेंज में हो, दोनों को ही लगभग 20-25 मिनट आधे घंटे का टाइम लग ही जाता है। वही ऑर्डर 10 मिनट के अंदर कैसे डिलीवर होगा, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, कैसे डिलीवर होगा। कंपनी जो यार कि मतलब उन लोगों का कंपनी ना, जैसे डोमिनोज हो गया या फिर और भी जो कंपनी जो एक ऑफर नहीं चलाते यार, मैंने मुझे तो पता भी नहीं, वो बोलते हैं कि अगर आपको 30, वो भी रखते हैं भैया 30 मिनट, उनका भी टाइम 30 मिनट होता है। वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको 30 मिनट के अंदर पिज्ज़ा नहीं मिला तो हम आपको पिज्ज़ा फ्री में देंगे। कंपनी भैया 10 मिनट लेकर के आए हो, आपको पता है कि इससे सीधा सीधा कस्टमर का फ़ायदा होगा, दूसरा कंपनी का फ़ायदा होगा, इससे रेस्टोरेंट का भी नुकसान है। मैं आपको बता दूं, उनको भैया फटाफट फूड प्रिपेयर करना होगा, फटाफट वो अपने ऑफलाइन कस्टमर को देख ही नहीं पाएंगे सही से, उनको अपने स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ना उनको बढ़ाना पड़ेगा कि भैया और लेकर के आओ जो फटाफट खाली Zomato का ही ऑर्डर प्रिपेयर करें, इस तरीके से हो जाए। और राइडर का तो साफ साफ नुकसान बोलो जान को खतरा है, नुकसान तो नुकसान ही है, आपको अच्छे तरीके से पता है। मैं इंट्रो देना भूल गया, नमस्कार जी, मैं शिवम पाल, सुखदेव शिवम की इस प्रेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। नीचे देखो लाल कलर का बटन, उसे दबाओ, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, सबसे ज़रूरी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग Zomato के राइडर वगैरह हैं तो स्विगी के भी हैं, कोई भी है, वीडियो को शेयर कर दो। नीचे कॉमेंट करके बताना कि ये चीज़ सुन करके आपको क्या लगता है। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली आज मैं मुझे बनाना क्यों पड़ रहा है, देखो मैं कंपनी को इस वीडियो के माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूँ। आप में से कोई भैया कंपनी तक अगर इस वीडियो को पहुंचा सकता है तो शेयर वेयर कर दो, कंपनी का कोई बंदा देख लेगा तो मेरा शायद सजेशन ही उनको अच्छा लग जाए, ठीक है। देखिए, मैं कंपनी को एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि भैया अगर आप 10 मिनट डिलीवरी वाला जो सिस्टम है उसको ले करके ही आ रहे हो, तो मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको आप जो है कि यार प्लीज़ उस अपडेट में अप्लाई करो। उससे क्या होगा, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ना, उसको आप उस अपडेट में कर देना। उससे होगा कि भैया आपका तो फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, कस्टमर का भी फ़ायदा हो ही जाएगा और डिलीवरी बॉयज का भी फ़ायदा होगा और कुछ फ़ायदा रेस्टोरेंट का भी हो जाएगा, जिससे कि सभी लोग खुश रहेंगे और आपके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोलेगा। आप यही चाहते हो कि आपके ख़िलाफ़ कोई ना बोले तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं जो चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसको अप्लाई कर दो। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ यार, राइडर को इतना भी मत परेशान करो। मुझे पता है कि आप लोग बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रहे हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। इंडिया में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि राइडर चाहे जितना ज़्यादा परेशान हो जाए आपको इससे मतलब नहीं है। आप लोग जो आपके खिलाफ़ बोलेगा आप
उसको निकाल करके बाहर कर दोगे, नए नए लोगों को लेकर के आओगे। लेकिन कुछ तो सोच लो यार, कुछ सोच लो। मैं आपको यार अभी एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। मेरे पास में एक भाई का कॉल आया था 5-6 महीने पहले, छोटा सा एग्जांपल है, सुन लो, ज़्यादा देर मैं नहीं लूँगा आपका। वो भाई साहब क्या है कि वो भाई साहब यार सिंगर थे, लिटरली सिंगर। वो भोजपुरी गाना वगैरह गाते थे, एल्बम वगैरह देते थे, ठीक है। वो यार मतलब इतनी बुरी हालत उनकी हो गई कि उनको जोमैटो में काम करना पड़ गया। उन्होंने मेरे पास में कॉल किया, काफ़ी अच्छे थे बात करने में। मैंने कहा ठीक है, लाओ आईडी वगैरह बनवा देते। मैंने उनकी आईडी अच्छे से ओपन वगैरह सारा कुछ, बंदा अच्छे से काम कर रहा था। यहां से वो लखनऊ गया, रूम लेकर के बंदा काम कर रहा था। अभी यार 2 दिन पहले उनका कॉल आया कि भैया जोमैटो कंपनी ने मेरी आईडी को डिसेबल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। पता नहीं किस वजह से, क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं, मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं थी लिटरली। तो यार बताओ, मतलब इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। चलिए दोस्तों यार, मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी को क्या करना चाहिए अपने 10 मिनट डिलीवरी वाले सिस्टम में, जिससे कि कंपनी और सभी लोग मतलब खुश रहें कुल मिला करके। अब देखिए, ऐसा नहीं कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो चीज़ें बिल्कुल सही है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है। अगर मैं कंपनी में डेवलपर या फिर कंपनी का CEO होता तो मैं कुछ इस तरीके से करता जिससे कि सभी लोग खुश रहते। देखिए, आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक राइडर के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको रेस्टोरेंट पर वेट करना, ट्रैफिक में जाना, ये सारी चीज़ें उसके सिर पर मतलब होती ही होती हैं। अब उसमें अगर आप किसी राइडर के ऊपर ये प्रेशर डाल दोगे कि भैया इस ऑर्डर को आपको 10 मिनट के अंदर ही डिलीवर करना है, 10 मिनट के अंदर डिलीवर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी डाल देंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब जायज़ नहीं है। अगर आप ये करना भी चाहते हो, अगर आप चाहते हो, तो इसके लिए आप डिलीवरी बॉय को एक अलग से ट्रेनिंग दो, एक अलग, मेरा मतलब ये नहीं कि खाली ट्रेनिंग दे दो, आगे वीडियो में देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसको एक अलग से ट्रेनिंग दो कि वो 10 मिनट के अंदर किसी ऑर्डर को डिलीवर कर पाए। दूसरा आपको ध्यान और रखना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अपने राइडर की संख्या को बढ़ाओ, ठीक है। मतलब एक जोन में काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बॉयज को अलॉट करो, और आप देखो कि मान लो कि कोई ऑर्डर है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से किसी कस्टमर ने एक ऑर्डर किया। अब आपका जो एल्गोरिदम है उसको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करो कि वो एल्गोरिदम समझ पाए कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर कौन सा राइडर है। मान लो कि यहाँ से कोई राइडर 10 मिनट की दूरी पर है, तो वो ऑर्डर उसी राइडर को दो, ताकि वो राइडर 10 मिनट के अंदर कस्टमर को जो है कि ऑर्डर ला करके दे सके, चाहे वो ऑर्डर देने 200 मीटर ही क्यों ना जाए, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा। दूसरा सजेशन, आप जब 10 मिनट डिलीवरी वाला ऑप्शन लाओगे तो मुझे अच्छे से पता है कि आप कस्टमर को जो है कि एक ऑप्शन दे दोगे कि भैया आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो आप जो है कि उसमें सेलेक्ट करो कि आपको 10 मिनट के अंदर डिलीवरी चाहिए, ये ऑप्शन आप कस्टमर को दोगे, मुझे अच्छे से पता है। तो कस्टमर जब उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देगा तो उसको मतलब 10 मिनट के अंदर डिलीवरी मिलनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि आप एक चीज़ करो, आप कस्टमर को बोलो कि भैया अगर आपको 10 मिनट के अंदर ही खाना चाहिए तो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे, 10-20 रुपए 50 रुपए जो भी है आप कस्टमर से एक्स्ट्रा लो कि अगर आपको 10 मिनट के अंदर ही खाना चाहिए तो आप मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा दो, ठीक है। कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको 10 मिनट के अंदर चाहिए होगा वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, जिसको नहीं चाहिए होगा वो नहीं सेलेक्ट करेगा। अगर आप उस ऑप्शन को फ्री में रख दोगे तो कोई भी, जिसको भी मन हुआ, भाई कौन नहीं चाहेगा कि उसको जल्दी मिल जाए, कोई भी सामान हो, खाना ही नहीं, कोई भी सामान हो, कौन नहीं चाहेगा, हर कोई बंदा उस ऑप्शन पर सेलेक्ट करेगा, हाँ मुझे 10 मिनट में चाहिए 10 मिनट में। तो ऐसा थोड़ी ना है, राइडर परेशान हो जाएगा, अगर तुमको 10 मिनट में चाहिए तो पैसा दो, अगर नहीं चाहिए तो मत दो। इससे जिसको चाहिए होगा वो अपना सेलेक्ट करेगा, पैसा देगा, चलो ठीक है, पैसा आपके पास में आ गया। अब आप उसमें से कुछ परसेंट तो अपने पास में रख लो उस पैसे का, कुछ परसेंट आप राइडर को दे दो उस पैसे का, कुछ नहीं, लगभग आप जो है कि 70% पैसा राइडर को दो, क्योंकि राइडर मेहनत करेगा तब ही जो है कि, देखो बाइक तेज चलेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा जलेगा, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। लगभग पैसा आप राइडर को दे दो, और कुछ पैसा जल्दी ऑर्डर मतलब तैयार करने के लिए आप रेस्टोरेंट को दे दो। हो गया जी, सारा कुछ शॉर्ट आउट हो गया। कस्टमर से आपने पैसा ले लिया, कुछ परसेंट अपना रख लिया, आपको भी प्रॉफिट हो गया, कस्टमर भी खुश हो गया, जिसको करना है वही करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। अब ज़्यादा पैसा आपने राइडर को दे दिया कि हाँ भैया अगर आप इस ऑर्डर को 10 मिनट के अंदर डिलीवर, अगर नहीं, उसको बोलो कि आप इस ऑर्डर को 10 मिनट के अंदर डिलीवर करो, इतना पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा है। राइडर दौड़ के यार, मतलब देखो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो
बंदा काम करने गया है तो पैसे के लिए बंदा करेगा किसी भी कंडीशन में, और उसको ट्रेनिंग आप दे ही रहे हो कि भैया 10 मिनट ऑर्डर डिलीवर करने के लिए किस तरीके से आपको प्रेपर रहना है, मतलब किस तरीके से आपको एक्टिव रहना है, किस तरीके से रेस्टोरेंट पर व्यवहार करना है, किस तरीके से आपको कस्टमर तक पहुंचना है, ये सारी ट्रेनिंग आप उसको दे दोगे तो बंदा आराम से डिलीवर करेगा। रेस्टोरेंट को भी पैसा मिल जाएगा कि हाँ उसको जल्दी प्रेपर करके खाना तैयार करके उसको डिलीवरी बॉय को दे देना है ताकि वो जा करके दे दे। इस तरीके से करोगे तो भैया आप बहुत ही ज़्यादा सुखी रहोगे, और ये जो अपडेट है ये आपका मतलब एकदम आप क्या बोल सकते हो सक्सेसफुल साबित होगा। वरना जो आप गिग वाला जो अपडेट आप लेकर के आए हो इससे डिलीवरी बॉयज जितना ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं ना, इस स्ट्राइक से भी आप बचोगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये सजेशन मान लो मैं कंपनी का कोई भी बंदा देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को शेयर कर देना, उन तक वीडियो पहुँचाओ। जितना ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को उतना ज़्यादा वीडियो फैलेगी, उतना ज़्यादा कंपनी तक पहुँच जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग सपोर्ट करोगे, और मतलब उम्मीद तो यही है यार कि आप लोगों के लिए अगर कुछ कर सके इस चैनल के माध्यम से, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।